नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं कमलपुर रोड़ान करनाल हरियाणा में। दोस्तों आज हम मिलेंगे दादा कृष्णा डेयरी फार्म। दोस्तों आपको हम एंट्री कराते हैं दादा कृष्णा डेयरी फार्म की, और यहाँ मिलेंगे अरुण जी से। अरुण जी एक युवा किसान है, दोस्तों आपको बताएं, इन्होंने एक नया अपना कायम किया, क्योंकि युवा किसान जो है वो डेयरी हो या खेती हो इनमें कभी आना नहीं चाहता, लेकिन अरुण जी अपनी डेयरी फार्म प्रशिक्षण भी लिया और डेयरी फार्म भी आज कम से कम 6-7 पशु रखे और बहुत मेंटेन किया हुआ है डेयरी फार्म का। अरुण जी से मिलेंगे। अरुण जी आप अपना पहले इंट्रोडक्शन बताइए, आपने कैसे शुरू किया डेयरी फार्म? भाई साहब पहले तो हम घर ही रखते थे, एक दो एनिमल रखते थे, तो उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री से, तो साथ साथ कुछ करने का सोचा, तो मैं फिलहाल ही थोड़े फरवरी में भाई से मिला कृष्ण जी से, तो उन्होंने थोड़ा डेयरी फार्म के बारे में बताया, उनसे थोड़ा ज्ञान लिया डेयरी फार्मिंग का, तो उसके बाद मैंने मार्च में स्टार्ट किया। अरुण जी जो युवा किसान तो हैं, लेकिन इन्होंने अभी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और डेयरी फार्म में तो रुचि है। दोस्तों ये मास्टर्स कर रहे हैं हिस्ट्री में, आपको बता दें अभी इनकी कंप्लीट भी नहीं हुई मास्टर्स, लेकिन इन्होंने अपने एक पेशे के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपना पेशा भी किया डेयरी फार्म, और डेयरी फार्म को बड़े अच्छे तरीके से बनाया। ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं अरुण जी? आप डेयरी फार्मिंग भी करते हैं और ऊपर से आप मास्टर्स की पढ़ाई और हिस्ट्री में कर रहे हैं, ये बड़ा अचंभों की बात है कि आप दोनों चीज़ एक साथ मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? और युवा किसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया जा सके? भाई साहब ये डेयरी फार्मिंग का काम इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें सुबह शाम थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा मैनेजमेंट अच्छी हो तो ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें। मेरा साइलेज का काम है और ग्रीन पाउडर का काम नहीं है मेरा, तो साइलेज का काम है, जल्दी से निपट जाता है, जल्दी से निपटा कर मैं कॉलेज की तरफ चला जाता हूँ और 2-3 बजे के आसपास मैं आ जाता हूँ, फिर शाम का काम मैं अपने आप करता हूँ वहाँ पे। अच्छा ये आप फिर कितने बजे सुबह सुबह आप उठते हैं अरुण जी, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, सुबह कॉलेज भी जाना है और इनको देख रेख करके इनको नहलाना है और भी कई सारी चीज़ें होती, पंखे चलाना, जैसे आपके यहाँ पंखे देख पा रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो क्या ये पंखे 24 घंटे चलते रहते हैं? हाँ भाई साहब ये 24 घंटे चलते रहते हैं और फोगर भी 24 घंटे चलते रहते हैं। फोगर इनके यहाँ फोगर भी लगा हुआ दोस्तों, अभी हमने इसलिए बंद कराया है कि वीडियो थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये फोगर आप देख रहे हैं, ये फोगर 24 घंटे चलते रहते हैं। तो आप कितने बजे सुबह उठते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं भाई साहब। अच्छा 4 बजे। तो आप पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं या पहले अपने डेयरी फार्म की ओर आते हैं घर से उठकर? सुबह 4 बजे मैं उठ के इधर आ जाता हूँ और 6 बजे तक ये काम निपट जाता है इधर से। अच्छा, फिर उसके बाद मैं तैयार त्यूर होकर अपना कॉलेज की तरफ चला जाता हूँ। तो आप कितने टाइम पढ़ाई करते हैं फिर, शाम के टाइम में आप पढ़ाई करते हैं? एक तो कॉलेज टाइम में हो जाती है, लेक्चर मैं रेगुलर से कर रहा हूँ, उसके बाद शाम को थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है। तो आपके साथ साथ घर पे कौन कौन आपको सपोर्ट करता है इस डेयरी फार्मिंग में? मेरा भाई है। अच्छा आपका भाई आपको सपोर्ट करता है, तो उन्होंने अभी कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है या अभी वो भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं? वो भी मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा वो भी मास्टर्स कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताऊँ, दो भाई मिलकर अरुण जी और इनके भाई दोनों लोग मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में डेयरी फार्म आपको मैं दिखाऊं तो आप थोड़ा सा कैमरा मैन दिखाएं, इसमें कितनी अच्छी जो चारे के साथ साथ, दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊं, ये चारे का है ऑप्शन, यहाँ आप अरुण जी से मिले। अरुण जी आप ये चारे के साथ साथ ये पानी पीने का है, ये आप देखें, ये चारे खाएगा और इधर से पानी पिए, ये आप देख पाए दोस्तों, मैं कैमरा मैन से कहूँगा ये पानी पीने का है, साथ में चारा खाएं और इधर पानी पिए, सेम ऐसे यहाँ दो दो पशु चारा खा के तीसरी बार में पानी पीने का जगह बनाई हुई है अरुण जी ने। अरुण जी आपको आइडिया कहाँ से मिला कि आप इस प्रकार का डेयरी फार्म तैयार करें? और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा, और ठंड भी है दोस्तों मैं बताऊँ, इसमें बड़ी अच्छी ठंड भी है कि गर्मी नहीं है, पशुओं को गर्मी में नहीं रखा जा रहा, और ये देखिए यहाँ शेड भी बिछा रखे हैं, ये कारपेट भी दोस्तों डाल रखे हैं जमीन में, फर्श तो है लेकिन कारपेट भी डाला हुआ है। तो आपको ये गाय कब आपने परचेज की थी या अपने घर से ही आपने तैयार की थी? भाई साहब ये मैंने मार्च में परचेज की थी। अच्छा, तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट काम किया था,
ये कृष्ण भाई जी ने, भाई नहीं दिलवाई थी हमें। अच्छा, आपको कृष्ण भाई जी ने आपको ये गाय दिलवाई थी, तो आपने मार्च से शुरू किया है अपना काम? हाँ जी भाई साहब। अच्छा, ये आपको मार्च से काम स्टार्ट किया, तो आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है? मान लो अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर भी आपको 5-6 गायों में कितना दूध उत्पादन हो जाता है आपकी? मेरा दूध उत्पादन जी 1 क्विंटल 30 किलो के आसपास है। अच्छा, मंथली? दिन का सर। अच्छा, दिन का 1 क्विंटल 30 किलो के आसपास। दोस्तों आप बताओ, मैं 5 गायें हैं मुझे लगता है, 6 गायें हैं। 5 गाय सर। अच्छा, मिल्किंग में 5 गाय सर। मिल्किंग में दोस्तों 5 गाय ही हैं, मैंने 6 कहा, मैं उसके लिए गलत, 5 गाय हैं दोस्तों, और 1 क्विंटल 30 किलो दूध, इसका मतलब 130 लीटर दूध, 130 लीटर दूध 5 गायों में। आप एक गाय आपका कितने लीटर दूध देती है? पूरे इलेक्ट्रिशन में दे देगी 7-8 हज़ार लीटर दूध। नहीं, एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है, कौन कितनी दूध देती है इन 5 गायों में से? अभी तो भाई साहब ये 26-27 लीटर दूध दे देती है। अच्छा, एक दिन में 26-27 लीटर, तीनों की एवरेज है 26-27। अच्छा, 26-27। दोस्तों इनकी ये 3 गाय ही कम से कम 90 किलो दूध, तो टोटल मिलाए तो 80 से 90 किलो दूध तो 3 गाय दे देते हैं। इसके बाद ये 2 गाय हैं, ये भी कम से कम 15 से 20 किलो दूध देती हैं। अभी काविंग हुई है इनकी, 10-12 दिन हो गए इनकी काविंग को, अभी 20-22 लीटर दूध दे रही है अभी। अब भी ये 20-22 लीटर दूध, और इसका माना जाए तो ये मुझे लगता है 10-15 दिन में और दूध बढ़ाएंगे। 30-30 लीटर दूध करते हैं दोनों। अरुण जी, मैंने आपके यहाँ देखा आपके डेयरी फार्म में एक दूध निकालने की मशीन भी है, ये किस प्रकार से काम करती है और कितने पैसों में ये मिल जाती है, इसके लिए थोड़ा विस्तार से बताएं। ये भाई साहब डबल बकेट की बंसन की है मशीन, तो 70,000 के आसपास मिलेगी मुझे। तो ये कंप्रेसर है इसका, तो इसमें इसकी फिटिंग है कंप्रेसर की, तो इसमें जुड़ जाती है, फिर उसके बाद मिल्किंग होती है इनकी, एक टाइम में एक गाय की मिल्किंग होती है इससे। ये बिल्कुल स्मूथ काम है भाई साहब, अगर हम हाथ से निकाल लें तो कम से कम इतनी बड़ी गिल्ड की गायें तो कम से कम 15-20 मिनट लगेगी हाथ से निकालने में। ये वही काम कम से कम 4-5 मिनट में कर देती है, उसका मेंटेनेंस खर्चा कुछ भी नहीं है। वो 15 दिन में इसमें इसके अंदर एक तेल डलता है बस कंप्रेसर के अंदर, और 7-10 दिन में इसकी सफाई होती है बस उसके बाद। तो इससे कोई गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाथ से निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी इरिटेट हो जाती है गाय। ये बिल्कुल स्मूथ काम है, बिल्कुल 4-5 मिनट में हो जाता है खाली गाय। मैं 4-5 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो किसी भाई को यूज़ करनी हो तो अच्छा एक डेयरी फार्म में मिल्किंग करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी आपने पीछे ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, 6 से 7 महीनों में, लेकिन आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद क्या आप कोई सरकारी जॉब या ऐसी कोई जॉब करने की प्लानिंग की है, या आपने अपना फ्यूचर डेयरी फार्मिंग में बनाने के लिए ये प्लान किया हुआ? मेरे हिसाब से भाई कोई स्टडी करता है तो कोई जॉब के लिए तो नहीं, बस ज्ञान बटोरने के लिए करता है, अपना फ्यूचर डेयरी फार्म कोई देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं बताऊँ, इन्होंने मास्टर्स पूरा करने के बाद भी इनका कहना है किसी नौकर बनने से अच्छा हम मालिक बने, किसी वो चाहे सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो, नौकर तो नौकर होता है, लेकिन आज जो अरुण जी युवा किसान हैं, मुझे लगता है इनकी बहुत ज़्यादा उम्र होगी तो 20 से 22 साल होगी या 25, दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी भी कहा कि नौकर बनने से अच्छा है हम मालिक बनेंगे और हम डेयरी फार्मिंग ही करेंगे। तो धन्यवाद आपका।